हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। आज हम करने वाले हैं डिस्प्ले टेस्ट हमारे सैमसंग के A20 का। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डिस्प्ले टेस्ट में सबसे पहले हम कर लेते हैं ब्राइटनेस चेक। उसके लिए मैंने डिवाइस की ब्राइटनेस को कर दिया है 100% पे और ऑटो ब्राइटनेस से हटा हुआ है हमारा डिवाइस। तो चलिए मीटर पर देखते हैं इसकी रीडिंग हमारी कितनी आती है। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग आई है 395, जो कि हमें बताता है कि डिवाइस के अंदर हमें बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है, ब्राइट डिस्प्ले। वैसे ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है हमारा, तो ब्राइट तो ये होता ही है। और उसके साथ अगर हम इस डिवाइस के व्यूइंग एंगल्स देखें तो वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं। साथ ही अगर आप इस डिवाइस को सनलाइट में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले मिलेगा। वैसे इसके अंदर हमें HD+ रेजोल्यूशन मिलती है, फुल HD+ मिलनी चाहिए थी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी टेस्टिंग में। अब हम इसके अंदर करेंगे वीडियो टेस्टिंग, जिसके लिए हम दो फाइल्स को यूज़ करते हैं। एक होती है हमारी 4K, एक होती है हमारी फुल HD। पहले फुल HD फाइल को प्ले कर लेते हैं। ये हमारा सारा हैवी प्रोफेशनल शूट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इन टेस्टिंग में, और इन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नॉर्मल फुल HD फाइल 4K फाइल होती है वो तो आराम से चली जाएंगी, हम हैवी फाइल को यूज़ करते हैं ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छे से पता चले डिस्प्ले टेस्ट के साथ। और ये आप देख सकते हैं ये फुल HD फाइल है जो कि आराम से प्ले हो गई बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। कलर्स आप देख सकते हैं ब्राइट आ रहे हैं हमारे। मैं इसको फॉरवर्ड करूं तो आप देख सकते हैं प्यारा लग रहा है हमारा डिस्प्ले। सैमसंग के हमारे डिस्प्ले काफी अच्छे होते हैं, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो तो और बढ़िया ही हो जाता है। और ये जो हम 4K फाइल यूज़ कर रहे हैं ये हमारी 2.5 GB की फाइल है, और आप देख सकते हैं फॉरवर्ड करने में कोई इशू नहीं आ रहा, वैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, एकदम स्मूथली मज़े से चल रही है हमारी फाइल। तो चलिए अब हम करते हैं इसका 4K फाइल टेस्ट। 4K फाइल की टेस्टिंग से पहले मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ। ये हमारी 8.3 GB की फाइल है, 8 GB की फाइल को हम इसके अंदर चलाएंगे। मोस्टली तो इस बजट में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, इतनी हैवी फाइल को नहीं चला पा रहे कई सारे डिवाइसेस, तो देखते हैं ये चला पाता है या नहीं। कहीं पर शुरू में प्रॉब्लम आती है, कहीं पर आगे जाके प्रॉब्लम आती है। और इस 4K फाइल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं म्यूजिक क्रैश हो रहा है हमारा। बट फाइल चल रही है। इतनी बड़ी फाइल को अगर हम इसमें चलाएंगे, इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो भी हमारा थोड़ा अंडरक्लॉक प्रोसेसर है, लेकिन फाइल को वो प्ले कर पा रहा है। इतनी हैवी फाइल में भी दिक्कत ज़्यादा नहीं आ रही है, मैं भी थोड़ी देर में और स्मूथ हो जाए फाइल हमारी, थोड़ी अभी अटक अटक के चल रही है। ये आप देख सकते हैं स्मूथली नहीं चल रही है, बट चल रही है। कलर्स प्यारे लग रहे हैं, रिवर का कलर, स्काई का कलर, स्नो, एकदम ब्राइट सा लग रहा है इस डिवाइस के अंदर। आपको मतलब वीडियो देखने में तो काफ़ी आप अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं। प्ले हो रही है, अटक नहीं रही है, लेकिन स्लोली स्लोली चल रही है। आपकी जो 4K फाइल होगी वो इस डिवाइस में आराम से चल जाएगी। ये हमारा हैवी प्रोफेशनल शूट है इसलिए इसमें इतनी दिक्कत आ रही है। सो 4K फाइल के लिए तो ओके रही परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आई, और इस बजट में कई सारी डिवाइसेस हैं जो कि नहीं चला पाते। अब वीडियो के साथ जैसे कि हमारा ऑडियो भी बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, तो आइए इसको ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो 99 से ऊपर एक बार भी नहीं गई, मतलब 97 पे ही अटकी रही एक्चुअल में, तो 98 पे भी, 9 पे भी एक आधी बारी आई थी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो स्पीकर है उसकी साउंड हमें ज़्यादा तेज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि 100 को क्रॉस करे तो मैं उसको थोड़ा एवरेज कहती हूँ, और ये 99 से नीचे ही रहा है तो फिर इसके अंदर आपको हमें
लाउड साउंड नहीं मिल रही है स्पीकर में। वैसे मैं इसका ऑडियो टेस्ट भी कर दूंगी पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, काफी सारी टेस्टिंग करनी होती है मुझे, बट उसके अंदर हम देखेंगे कि ईयरपीस की साउंड कैसी है, इसके साथ जो लीड मिलती है उसके अंदर हमें कैसी साउंड मिलती है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ कैसी साउंड मिलती है, हर एक चीज में चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले टेस्ट में। अब हम इसमें एक छोटी सी गेम खेलेंगे देखने के लिए कि गेम खेलते समय आपको कैसे कलर्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम एक छोटी सी गेम खेल रहे हैं इसके अंदर। वैसे मैं जल्द इस डिवाइस का गेमिंग रिव्यू भी कर दूंगी जिसके अंदर हम इसके अंदर पबजी खेल के देखेंगे कि वो चलती है नहीं चलती और किस सेटिंग्स में हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, तो वो टेस्टिंग आपको जल्द मिल जाएगी, इसी चैनल पे मिलेगी आपको। और अभी अभी ये देख सकते हैं कि ये हमारी गेम जो है ये कितनी प्यारी लग रही है, कलर्स एकदम वाइब्रेंट से आ रहे हैं। तो एक्चुअल में जिन लोगों को बढ़िया डिस्प्ले चाहिए वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला डिवाइस ही लें, जो इसके अंदर वीडियो में जो इसके अंदर हमें गेम खेलते समय कलर्स मिलते हैं नॉर्मल डिस्प्ले से, नॉर्मल डिवाइसेस से बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें अलग मजा आता है फोन को एंजॉय करने में। सो आज की इस टेस्टिंग में हमें पता चल गया है कि हमारा जो सैमसंग A20 है इसके अंदर आपको बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है, एकदम ऑसम डिस्प्ले। ऑडियो की साउंड जो है स्पीकर की वो इतनी तेज नहीं है, थोड़ी कम है, और 4K फाइल हैवी प्रोफेशनल फाइल को ये आराम से प्ले नहीं कर पा रहा, प्ले कर पा रहा है लेकिन स्मूथ नहीं है। तो आपकी फाइल तो इस पर ठीक चल जाएगी लेकिन वैसे मेरी टेस्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।